एक ऐसा दिन है कि मेरे साथ मंच पर इस बूथ के अध्यक्ष भी है, इस तालुका के अध्यक्ष भी है, इस जिले के अध्यक्ष भी है, प्रदेश के अध्यक्ष भी है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी आया हूं। तो बूथ से लेकर देश तक के सभी अध्यक्ष आज नक्सलबारी के अंतिम गांव में आए हुए। ये गांव भूटान, नेपाल, बांग्लादेश की बॉर्डर पर बसा हुआ गांव। यहां से कुछ ही दूर जाइए तो नेपाल आएगा, इस ओर जाइए तो भूटान, उस ओर जाइए तो बांग्लादेश आ जाएगा। सारे देशों की सीमा पर बसा हुआ है गांव और भारतीय सीमा के अंतिम गांवों में से एक गांव। आज मैं हृदय से आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद मुझे होता है जब नक्सलबाड़ी के गांव में कमल खिला हुआ देखते हैं तो यही नक्सलबाड़ी है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी और वो हिंसा में आज पूरा देश झुलस रहा है। वही नक्सलबाड़ी में मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज यहां पर गूंजता हुआ है। और मुझे भरोसा है मित्रों कि हिंसा पर विकास की विजय जरूर होने वाली है, निश्चित होने वाली है। ये जो अभियान चला है वो अभियान आज मैं यहां आया हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते एक अलग बात है, मगर यहां मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आया और मेरे जैसे 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए गांव गांव में गरीब के घर तक जाने वाले हैं। मित्रों आप कल्पना करिए 7 लाख बूथ से ज्यादा बूथों में हमारे कार्यकर्ता संपर्क करने वाले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मित्रों कि जिस प्रकार से बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन चला है, बंगाल गरीब से गरीब होता जा रहा है। सोनार बांग्ला कहने वाला यह प्रदेश पूरे देश के समृद्ध प्रदेशों में से प्रदेश था, आज बेरोजगारी, हिंसा, खूनामर्की, तुष्टिकरण एक प्रकार से यहां अराजकता का वातावरण दिखाई पड़ता है। मगर मैं एयरपोर्ट से यहां आपके गांव में आया तब तक मैंने जनता का जो उत्साह देखा है, मुझे निश्चित भरोसा है कि बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। और यहां पर जितने भी कार्यकर्ता है, गांव के लोग हैं, हमारी एक दीदी यहां से पंचायत सदस्य भी चुनकर आई है, मैं सबको अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतनी हिंसा के बावजूद भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू रखा है और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना चालू रखा है। मेरा आप सबसे यही निवेदन कि हिंसा का दौर कितना भी लंबा हो हमेशा नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में विजय, उद्भव, विस्तार और अंत में विजय ये सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आने वाले 2019 के चुनाव में इसका परिचय देश की जनता को भी मिलेगा, बंगाल की जनता भी इसका परिचय कराने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 3 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार ने देश के अंतिम से अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम किया है, देश को गरीबों के उत्थान के लिए काम पहुंचाने का काम किया है। मगर बंगाल की ये सरकार की जो योजना है इसको नीचे तक पहुंचने नहीं देती। उज्ज्वला योजना गुजरात में ठीक से चल रही है,
उत्तर प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, बंगाल में गांव की गरीब बहनों के घर पर गैस पहुंचाने में हमें दिक्कत आ रही है। ये जो सरकार रोड़ा डालने का काम कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी के रथ को वो रोक पाएंगे। मगर मैं तृणमूल के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितना दमन करोगे, जितना अत्याचार करोगे, जितना हिंसा का कादव कीचड़ फैलाओगे, कीचड़ में कमल और अच्छी तरह से खिल कर बाहर। आज एक गरीब परिवार के घर में गया, भोजन किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के 60 कार्यकर्ताओं के साथ मेरी लगभग 1.25 घंटा बैठक हुई है, और मैं 5 घरों में भी अभी जाऊंगा जहां दीनदयाल जी उपाध्याय के लिए जो साहित्य छपा है वो देखकर दीनदयाल जी का परिचय कराने का भी काम करूंगा, और शाम को जिला सेंटर पर बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप का भी कार्यक्रम कर रखा है। मगर मैं आज साथ अपने बताना चाहता हूं कि मैंने भाजपा के मंत्री के नाते, भाजपा के नेता के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते कई बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया है। लाखों की संख्या में लोग हो, हजारों की संख्या में लोग हो, ऐसी सभाओं को संबोधित किया है, मगर एक गांव की नुक्कड़ पर जो छोटी सी सभा है, ये मन को संतोष और आनंद देने वाली। हिंदुस्तान की सरहद पर एक गांव जो 3 देशों की सरहद पर है, और जहां से नक्सलवाद का विचार, नक्सलवाद का विचार पनपा खिला आगे बढ़ा, और अब जो अंत की ओर जा रहा है देश में, तब मैं आज देख रहा हूं कि यहां कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये दिन देश के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भी ये सौभाग्यपूर्ण दिन। आज फिर से एक बार गांव के सभी लोगों ने, गांव की लगभग पूरी आबादी यहां आ गई है, मेरा जिस प्रकार से स्वागत आप लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी का और बूथ के अध्यक्ष का भी जिस तरह से स्वागत किया है, मैं पार्टी की ओर से हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर भी विकास का सूर्य बहुत जल्दी से उदयमान होगा, और बंगाल को भी गरीबी के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।